हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय सरकारी विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये वैकेंसी आई है, केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कस्तूरबा विद्यालय में पहले पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर पाते थे, बट इस साल से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। इसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय सरकारी विद्यालय है तो इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ सैलरी के साथ में आप लोगों को मुफ्त आवास जो है वो मिलेगा ही। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो है वो अलग अलग दिया गया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर टैट मांगा गया है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर नो सी टैट नो एस टैट, ठीक है। बाकी जो है एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा, सिलेक्शन मेरिट के आधार पर जिसमें आपके जितने मार्क्स होंगे, जिस अभ्यर्थी के जितने अधिक मार्क्स होंगे उसके आधार पर जो है सिलेक्शन रहेगा। तो ये विज्ञापन आया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सरयू में शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर जो है केवल चयन हेतु योग्य अर्हताधारी पुरुष अभ्यर्थी ही जो है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 16 दिसंबर 2023 5 बजे शाम तक आप लोग भेज दें आवेदन। और ये जो वैकेंसी है जिला कार्यालय पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय के तहत आई है, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इसकी वैकेंसी है। इसके बाद जो है गणित की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षक फुल टाइम टीचर्स की वैकेंसी है, यानी आप लोगों को स्कूल में ही जो है रहना होगा और आवास आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो है पूर्णकालिक शिक्षक विज्ञान की वैकेंसी है, जिसमें विषय समूह दिए हैं जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। पूर्णकालिक शिक्षक विज्ञान में भौतिकी विज्ञान और गणित की वैकेंसी है। तो अभी जो है हम देखेंगे क्वालिफिकेशन में कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर टैट नहीं चाहिए और कौन से ऐसे हैं जहां पर टैट कंपलसरी है। पूर्णकालिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षक शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, कंप्यूटर की भी जो है पूर्णकालिक शिक्षक की वैकेंसी है। उसके बाद जो है पूर्णकालिक लेखपाल, जहाँ पर 12th पास स्टूडेंट्स है किसी भी राज्य के हैं बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं पूर्णकालिक लेखपाल में। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि पहरी की आवश्यकता है। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, ये सभी जो है वो पुरुष अभ्यर्थी ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ कोई भी महिला नहीं रहेगी क्योंकि ये जो है केवल बालक विद्यालय है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण, जो कि पूरा विज्ञापन मैं पहले ही देख चुकी हूँ, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बिल्कुल हाईलाइट की गई है। अभी ध्यान से समझो, चयन हेतु जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो यहाँ लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जितने भी पूर्णकालिक शिक्षक के पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो क्रमांक हैं, तो इनमें आप लोगों को 50% अंकों के साथ स्नातक होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा है कि चयन में जो है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्रमांक 6 तक की बात कर रहे हैं, यानी सामाजिक विज्ञान, साइंस, उसके बाद गणित और दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन और साथ में क्या चाहिए, बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, और जिसके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है, आपने डीलेड किया है, बीटीसी किया है, एसटीसी किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। एक और चीज देखिए, आप शारीरिक शिक्षक या शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। तो इसके लिए जो है इन पदों के लिए अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का टैट, JTET, ठीक है, किसी भी राज्य का टैट, CTET नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान विषय, भौतिकी विज्ञान एवं गणित के लिए किसी भी प्रकार का टैट नहीं चाहिए। नेक्स्ट, पूर्णकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए किसी भी प्रकार का टैट नहीं चाहिए। तो ये मैंने अलग से जो है वो मेंशन कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। कक्षा 9 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पद तथा पूर्णकालिक शिक्षक विज्ञान विषय समूह भौतिकी एवं गणित और पूर्णकालिक शिक्षक अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण की आवश्यकता नहीं
होगी। साथ में पूर्णकालिक शिक्षक का कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक के पद हेतु जेटेट भी जो है आवश्यक नहीं है। अभी एक जो है वो छूट गया कि यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षक का शारीरिक शिक्षा के लिए जो है टेट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जिनको कन्फ्यूजन है दोबारा से वीडियो देखिएगा कि टेट की आवश्यकता जो है पूर्णकालिक शिक्षक का अंग्रेजी भाषा में नहीं है और भौतिकी विज्ञान एवं गणित में नहीं है, शारीरिक शिक्षा में नहीं है और कंप्यूटर टीचर्स के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी के लिए जो है जे टेट झारखंड टेट जो है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर चयन जो है वो कैसे होगा, तो यहाँ चयन के लिए लिखा है प्राप्त अभ्यावेदनों में से सर्वाधिक योग्यता, जिनकी सर्वाधिक योग्यता होगी, जैसे स्नातक मांगा गया है तो किसी स्टूडेंट्स के पास अगर मास्टर डिग्री है उस सब्जेक्ट में तो उसे आगे रखा जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो है वो मेधा सूची तैयार की जाएगी जिनके सबसे अधिक प्राप्तांक होंगे और प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को ये बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे और उसके बाद जो है वो चयन इनका होगा। ठीक है, सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही रहेगा। पूर्णकालिक लेखापाल के लिए देखिए, यहाँ पर जो है वो पहले क्या कहा जाता था कि बीकॉम में जो है 50% अंक होने चाहिए, बट अभी जो है इसमें रियायत दे दी गई है। यहाँ लिखा है झारखंड एवं राज्य के बाहर से मैट्रिक या इंटर पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है केवल 12th आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं। साथ में यहाँ पर होना चाहिए 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर कोर्स, हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ में टैली सॉफ्टवेयर की नॉलेज अनिवार्य है। सपोर्ट स्टाफ है आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी, तो ये आवासीय विद्यालय है तो सारी चीजें देखनी होती हैं। तो शैक्षणिक अर्हता जो है यहाँ केवल मैट्रिक मांगा गया है। मुख्य रसोईया के लिए केवल 8वीं पास, सहायक रसोईया के लिए केवल 8वीं पास। अब वेतन देख लेते हैं, आयु जो है वो न्यूनतम 21 है और आयु में जो छूट है वह भी दी गई है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद जो है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए यहाँ पर सैलरी जो है वो क्या दी जाएगी, तो यहाँ पर चयन जो है वो पहले संविदा के आधार पर होगा। तो इसके लिए भी एक लाइन जो कि हम पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहेंगे कि संविदा के आधार पर है, जो कि मैं बहुत बार बोलती हूँ, जो भी समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर संविदा के आधार पर भर्ती हो रही है, यदि आपका काम बहुत अच्छा रहता है तो आपकी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं और कई सालों से टीचर्स यहाँ अभी भी बने हुए हैं और आप पता कर सकते हैं। शिक्षक का चयन संविदा के आधार पर पहले होगा तो उस वक्त जो है वो सैलरी 15,840 आप लोगों को, यानी कि सबसे पहले साल में आप लोगों को इतनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो है संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पूर्णकालिक शिक्षिका की ये सैलरी है, शिक्षक की ये सैलरी है, सॉरी शिक्षिका की नहीं। उसके बाद जो है यहां पर जो लेखापाल है उसकी सैलरी है 11,880। ठीक है, और 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल होगी। और नेक्स्ट जो नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उनके लिए अलग अलग सैलरी है, किसी की 6,000 है, किसी की 7,200 है। तो विज्ञापन को बहुत अच्छे से जो है वो मैंने पढ़ लिया है ताकि कोई भी जो है गलती आप ना करें। तो यहाँ पर आप देखें, आपके लिए ही जो है पहले मैंने बताया कि पहले कस्तूरबा विद्यालय में पुरुष महिला दोनों ही आवेदन कर सकते थे। तो जिन्होंने पहले काम किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में किया है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय में किया है, ठीक है, JBAB राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत या महिला समाख्या में काम करने का जो अनुभव है जिन भी अभ्यर्थियों को, जिन भी पुरुष अभ्यर्थियों को, तो उनको उनकी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, साथ में जो है यहाँ शैक्षणिक योग्यता में भी जो है छूट दी जाएगी। जिन विद्यालयों में सिर्फ बालकों का नामांकन है वहां पर चयन हेतु सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, तो ये जो वैकेंसी है इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। चयनित होने वाले शिक्षक की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतः, यानी पहले साल जो है आपकी जो है सेवा जैसी ही होगी, जैसे आप काम करेंगे, कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष के लिए, देखा मैंने आपको कहा था 1-1 वर्ष के लिए अवधि जो है विस्तारित तो होती जाएगी और साथ में सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने देख ली, तो यहाँ बिल्कुल भी जो है वो घबराए नहीं कि ये संविदा के आधार पर है और इतना दूर हमें जाना होगा, 1 साल करेंगे उसके बाद जो हमें निकाल देंगे, ऐसा नहीं। आयु सीमा देखें यहाँ पर अलग अलग है, न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष है,
उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC इनकी 38 है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस इनकी जो है 37 वर्ष है। नेक्स्ट SC ST मेल या फीमेल जो है 40 वर्ष है, ठीक है। PWD की यहाँ पर 10 साल है और एक्स सर्विस मैन को अपनी कोटी में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये तो अधिकतम आयु है और इसके साथ में जो है यहाँ पर आयु में छूट झारखंड सरकार के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। अब समझिए आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे नीचे झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट लातेहार एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद जो है आप लोगों को इसे फिल करना है। फिल करके इसके साथ जरूरी जो कागज हैं वो लगाने हैं आप लोगों को। दो लिफाफे आप लोगों को खुद के जो है पते लिखे हुए वो आपको इसमें लगाने हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपका हायर क्वालिफिकेशन का वो भी आप लगा दें। उनकी फोटोकॉपी लगानी है और उन पर जो है खुद के साइन जरूर करने हैं। अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो अपना जो है वो प्रमाण पत्र भी उसमें लगाएंगे, ठीक है। झारखंड राज्य के जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो वो अपना जो है प्रमाण पत्र लगाएंगे, चाहे वो जाति का है या और भी किसी आरक्षित जैसे आयु का अगर आप लगाना चाहते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के हैं वो सभी जनरल में ही काउंट होंगे। और उसके बाद जो है आप लोगों को एड्रेस लिखना होगा। तो ये देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सरयू, ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय लातेहार। तो ये एड्रेस हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ सेकंड नंबर पर आपको दिखेगा इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल सरयू। इसको आप लोग ओपन करेंगे, आपके सामने जो पेज आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देखें 1 दिसंबर को पब्लिश हुआ है और 16 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट जो है वो ध्यान में रखिएगा अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जितने भी वीडियो बनते हैं और नोटिफिकेशन जारी होता है तो मेन वेबसाइट का लिंक मैं जरूर शेयर करती हूँ। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक देखा करें, आप लोगों को लिंक जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।